हाँ तो और मेरे भाई लोग, क्या चाल है? उम्मीद करते हैं अच्छे हो। तो पबजी न्यू स्टेट की वीडियो के साथ आ गए हम लोग वापस। वही बात करते हैं इस वाले गेम प्ले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपने साथ दो बंदे लैंड हुए हैं, प्लस ये वाला बंदा भाई अपने को लास्ट में इतना ज्यादा भगाने वाला है। आप लोग देखो और बताना कि भाई आपके साथ कभी ऐसा सीन हुआ है या नहीं हुआ, या इस तरह का बंदा आपको कभी इन गेम मिला है या नहीं मिला है। अब यहाँ पर ये वाला बंदा देखो, यहाँ पर रूफ में लैंड होने के बाद यहाँ से निकल जाता है। प्लस हम लोग अपनी बेसिक लूट कंप्लीट करते हैं और भाई कुछ बॉट वगैरह थे उनको किल करते हैं। प्लस भाई आपके लिए एक चीज़ और है मेरे पास कि हम लोग भाई स्क्वाड कॉन्करर साय से करने वाले हैं। वो कल की वीडियो में आपको कंफर्म हो जाएगा। प्लस इस वाली वीडियो में आप लोग अपना ओपिनियन बताना कि अपने को स्क्वाड में कॉन्करर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज देखो हम लोग के पास यार ज़्यादा टाइम तो है नहीं और बहुत ही कम हम लोग गेम भी खेलते हैं, तो शायद कॉन्करर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग बताना कि आपको स्क्वाड कॉन्करर के गेम प्ले चाहिए या नहीं चाहिए। भाई बात करते हैं यार इस वाले बंदे की। तो यहाँ पर देखो हम लोग काफ़ी देर रुकते हैं, प्लस गाड़ी लेकर आते हैं और ये वाला बंदा अपने एक टीममेट को भाई नॉक एंड फिनिश करता है डायरेक्ट। अब इसके बाद भाई देखो मैं इसका पीछा करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, और भाई देखना बंदा मेरे को कहाँ तक भगाता है। हाँ तो यार यहाँ पर आप लोगों ने सामने देखा ये वाला बंदा भागते ही जा रहा है, और भाई देखना कहाँ तक अपने को भगाएगा। हाँ तो मतलब भाई इस वाले बंदे ने इतना ज़्यादा भगाया और लास्ट में आकर एक कोने में चुपचाप कैंप करने की ट्राई कर रहा था, तो इसको काफ़ी इजीली किल कर देते हैं। और उसके बाद आते हैं भाई हम लोग चेस्टर पे, और यहाँ पर सामने एक की तरफ एक स्क्वाड थी। तो यार इस वाली स्क्वाड से फाइनली अपनी फाइट होने वाली थी, बट ये वाला बंदा यार देखो मेरे को यहाँ से स्पॉट कर लेता है और डीपी का एक हेड भी मार देता है। तो भाई देखो इसको कैसे मारते हैं, प्लस इसकी इस पूरी स्क्वाड को हम लोग एलिमिनेट करने वाले हैं। तो यार यहाँ पे इन तीन को तो आराम से क्लियर कर देते हैं, और उसके बाद एक लास्ट बंदा बचता है जो कि अपने टीममेट को नॉक एंड फिनिश देता है। तो इसको देखो भाई, मतलब भाई बिल्कुल छोटा सा एंगल मिल रहा था उसमें इसको काफी इजिली नॉक करके एलिमिनेट कर देते हैं। और भाई साहब इसके बाद अपने टीममेट को करते हैं रिवाइव वगैरह, और यहाँ पर दोबारा से चेस्टर पे हम लोग रहते हैं और एक गाड़ी आ जाती है जिसमें दो बंदे होते हैं। और भाई यहाँ पे देखना अपने साथ क्या ही स्कैम होता है। अब यहाँ पर भाई मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ इस पर पुश करने के लिए, बिकॉज ये वाला बंदा यार ऊपर के साइड था, बट यार उतने में ये वाला बंदा नीचे कूद जाता है और भाई बगल वाली बिल्डिंग में जाने लगता है। तो ये वाला बंदा तो देखो अपने मुंह से बिल्कुल ही किल गया था, अगर भाई थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो इसका किल अपने को मिल जाता, और प्लस इसका एक बंदा और था तो उसका भी किल देखो। तो यार इसी के साथ ये वाला डुओ तो हो जाता है एलिमिनेट। अब बात करते हैं यार लास्ट के कुछ बंदे बचे हुए थे जिनमें से एक बंदा साइड में अपनी गाड़ी लेकर इस सामने वाले घर की तरफ आ जाता है। तो भाई देखो इसको कैसे किल किया है। तो यार इसी के साथ इस वाले भाई को भी काफी इजिली क्लियर कर देते हैं, और इसको एलिमिनेट करने के बाद भाई केवल और केवल एक बंदा बचता है जिसको कि हम लोगों को किल करना था, और वो सामने भाई अपार्टमेंट के साइड में था जिसमें कि भाई अपना एक टीममेट काफ़ी फुर्ती में रेस्ट करने जाता है, तो उसको काफ़ी इजली ये वाला बंदा नॉक देता है। तो अब देखो भाई इसको कैसे किल करते हैं और लेते हैं अपना विनर विनर चिकन डिनर। हाँ तो यार यहाँ पे अपना पहला चिकन हो जाता है। बात करते हैं अपने सेकंड गेम प्ले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई हम लोग एक रैंडम लोकेशन पे आए हुए थे,
प्लस एक स्क्वाड भाई लेफ्ट साइड में आपने देखी होगी कि लैंड हो गई और ये वाले बंदे एक ही वेयर हाउस में चारों बंदे लूट करते हैं। तो यहाँ पे अपनी किस्मत इतनी खराब थी कि हम लोग इनसे इतना दूर लैंड हो चुके थे, जिसके बाद भाई अपने को एक भी किल नहीं मिलता और इनकी पूरी स्क्वाड अपना एक टीममेट ही एलिमिनेट कर देता है। तो भाई जैसा आप लोग देख ही सकते हो कि पूरी स्क्वाड इनकी एलिमिनेट हो गई है। बात करते हैं यार आगे, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बेसिक लूट अपनी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद एक बंदा आता है अपनी पूरी टीम को लेकर, तो भाई देखो इनसे कैसे फाइट लेते हैं। हाँ तो यार ये एक लास्ट बंदा बचा हुआ था, जितने भी बंदे आए थे उनमें से अपने टीममेट्स ने भी कुछ बंदों को किल कर दिया, तो ये लास्ट वाला बंदा था, तो देखो इसको कैसे किल करते हैं। हाँ तो यार यहाँ पर इसके दो बंदे आते हैं, यानी एक बंदा ये और एक और आया था, प्लस इसके जो बाकी दो टीममेट हैं वो एक एक कर कर आते हैं। उनमें से एक बंदा सामने आता है और गाड़ी फंसा देता है, तो इसको देखो कैसे निकालते हैं बाहर। तो इसको तो भाई काफ़ी इजीली नॉक दे देते हैं। और उसके बाद कुछ अपना भाई फर्ज बनता था टीममेट को रिवाइव वगैरह करने का, तो वो रिवाइव करते हैं, प्लस इसका एक जो लास्ट बंदा था भाई वो आता है, तो देखो इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं। अब भाई यहाँ पे इस वाले बंदे ने पीछे एक साइड बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रखा कि भाई पीछे भी कोई हो सकता है, और भाई डायरेक्ट भागे जा रहा उसको कोई भी मतलब नहीं है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद भाई हम लोग सारे टीममेट्स अलग अलग गाड़ियों से घूम रहे थे कि जहाँ पर हम लोगों को बंदे स्पॉट होते वहाँ पर भाई हम लोग कॉल देते और सब लोग एक जगह कलेक्ट हो जाते। बट मेरे को भाई रास्ते में एक बॉट मिलता और सामने की तरफ कुछ बंदे थे जिनमें भाई मैं यहाँ पर फायर वगैरह लेने की ट्राई करता हूँ, बट मेरे को भाई लगता है कि यहाँ पे सही डिसीजन नहीं होगा फाइट लेना, तो यहाँ से निकलते हैं और वेट करते हैं जाकर भाई इसका आगे, और भाई देखो इसको कैसे किल करते हैं। अब फाइनली यार ये वाला बंदा सामने की तरफ स्पॉट हो जाता है, तो भाई देखो इसको ओपन में आने देते हैं और भाई फिर देखना इसको कैसे किल करें। तो यार बंदा बीच में स्नाइपर से मारने की ट्राई करता है, बट यार इसको काफी इजीली एलिमिनेट कर देते हैं। और भाई इसके बाद सामने की तरफ ग्रीन फ्लेयर चली थी, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे इस वाले बंदे को भाई हवा में मारते हैं। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो लास्ट में भाई अपने साथ सीन होता है, भाई वो तो देखना आप, एक नेक्स्ट लेवल का सीन है, बिकॉज ऐसी लॉबी में ये ऑलमोस्ट कंटेंडर 2 की लॉबी है और यहाँ पे भाई बंदा ऐसा सीन कर रहा है, मतलब अलग ही लेवल है। अब इसको तो भाई हम लोग हवा में किल कर देते हैं, बट उसके बाद इसका एक लास्ट बंदा बचता है जिससे हम लोग भाई जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गलती मेरी थी। अब वो गलती क्या थी आप लोग खुद देख लो। अब बिकॉज यार देखो टीममेट का कवर था, तो मैं अंधा पुश करता हूँ, यहाँ पे नॉक हो जाते हैं और लास्ट वाला बंदा जोन से मर जाता है। तो आई होप यार आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, यार अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं इसके साथ कल किसी न्यू वीडियो में, टिल देन बाय बाय।